हुए भारतीय किसान किसान के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज शिव कुमार शर्मा जी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। अनुराग शुक्ला जी को प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। संजय राघव जी, गजेंद्र राघव जी और तमाम सारे पदाधिकारी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है संगठन। आपको एक और चीज बता दूं, जब आगे से कार्यक्रम हुआ करे तो एक तो मंच की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सब लोग आराम से बैठ करके एक जगह, ऐसा होता है ना, कुछ लोग आगे होते हैं कुछ लोग पीछे, ये तो किसान संगठन का काम होता है, उसमें मंच नहीं होना चाहिए। जमीन पे आराम से बैठते बराबर में सब लोग, ये तो वो एक अच्छा एक किसान पंचायत लगती है। आगे से जो भी हो एक मंच की व्यवस्था खत्म कर दी जाए और एक स्वागत की बहुत लिमिटेड स्वागत भी जो किसान आए उनका किया जाए, किसी का भी स्वागत भी कम कर दिया जाए, क्योंकि ये आज फर्स्ट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मंच की व्यवस्था अच्छी नहीं लगती है किसान पंचायत की। आप लोगों को बता दें कि अभी मेरी बात हो रही थी, जो हमारे पार्षद हैं इस गांव के, इन्होंने एक समस्या बताई यहाँ की, देवेंद्र मुखिया जी ने, यहाँ की समस्या किसानों की फसलों के मूल्य की लड़ाई से भी ज्यादा बड़ी समस्या है। अगर यहाँ का किसान बचेगा ही नहीं तो मूल्य किस चीज के लेगा। इस गांव में एक नाला निकलता है, गंदा नाला, उस नाले की वजह से यहाँ पर लगभग 200 से ऊपर कैंसर पेशेंट हैं इस गांव में। तो 200 से ऊपर कैंसर पेशेंट किस वजह से हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक गंदा नाला निकल रहा है जिसमें फैक्ट्रियों का पानी दिल्ली से इस गांव की तरफ होते हुए निकल रहा है, जो पानी के स्रोत के थ्रू घरों में जा रहा है और लोग उसे पी रहे हैं, और जिसका कारण है कि कैंसर हो रहा है। अगर जिस परिवार में एक व्यक्ति को कैंसर हो जाता है उसकी दो पीढ़ियां खराब हो जाती हैं, इतना पैसा इलाज में खर्च हो जाता है कि वो आदमी इलाज कराते कराते उसके खेत भी बिक जाता है, मकान भी बिक जाता है, फिर भी आदमी बच नहीं पाता है। ये तो सबसे बड़ी लड़ाई है अभी यहाँ पे, और मुद्दों को छोड़ते हुए कि यहाँ के जो नाले की समस्या है उसको लिख करके आप जिलाधिकारी के दो, हम भी लखनऊ जाएंगे बात करेंगे। अगर बात से बात नहीं बनती है तो अगले महीने कोई एक तारीख रख लो, उसमें यहाँ पे एक आंदोलन छेड़ दो, धरना चाहे 15 दिन चले, 20 दिन चले, महीने भर, दो महीने, जब तक आर पार का नहीं हो जाएगा तब तक पूरे प्रदेश का लगातार वहीं पे बैठेंगे कलेक्ट्रेट पे। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे तैयारी करो, पंपलेट के माध्यम से लोगों तक अपनी समस्या पहुंचाओ कि हम इस मुद्दे को लेकर के लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे। हमें ना किसी से कोई चंदा चाहिए, न किसी से कोई कुछ, संगठन पूरा अपने खर्चे पे यहाँ की लड़ाई को लड़ेगा। जो भी सहयोग जिसको करना होगा वो यहाँ पे शिव कुमार शर्मा जी का, गांव के लोग अपने मिलकर के आने जाने का कलेक्टर तक का करें, संगठन को किसी से एक रुपया नहीं चाहिए किसी से भी। ये तो इसी समस्या को लेकर के अब आगे का धरना होना है, और संगठन के जो आज नए साथी शामिल हुए हैं उनको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अब आपको लगेगा कि किसी अच्छे संगठन में काम कर रहे हैं। आप ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा रहेंगे सभी लोग मिलकर के, बस संगठन में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए आपस में, क्योंकि संगठन कहाँ पे बर्बाद होता है कि आपस में जब आप लोग गुटबाजी करने लगते हो। जब संगठन अच्छी स्थिति पे पहुंच जाता है तो दो चार लोगों में आपस में मैं बड़ा ये वाली स्थिति हो जाती है, तो उसमें एक भी बड़ा नहीं रहता है, वहां पर संगठन खत्म हो जाता है। उससे संगठन का नुकसान नहीं होता है, वहां के लोगों का नुकसान होता है, वहां के किसानों का नुकसान होता है थोड़े से स्वार्थ के लिए। ये तो इन्हीं बातों को लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि आप अपने तरीके से कोई भी निर्णय ले सकते हो, लेकिन वो निर्णय समाज हित में, किसान हित में होना चाहिए। धन्यवाद।